यारे मन, ओ जाने मन। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, ये आज हमारी शहजादी सुबह ही सुबह कैसे उठ गई? बैठे अब्बू, वो दरअसल कल जो हुआ उसकी वजह से नींद ही नहीं आई, तो सोचा काम ही कर लेती हूँ। क्या दोबारा से लड़ाई हो गई तुम्हारी? नहीं अब्बू, मैं अजान भाई और माहीन भाभी के झगड़े की बात कर रही। बेटा, उनकी वजह से तो मैं भी परेशान। तो फिर आपने क्या सोचा? देखो बेटा, तुम्हारे या मेरे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों अब्बू? क्योंकि अब ये आजान के ऊपर है कि वो इस बात को भूलकर आगे बढ़ जाता है या लकीर का फकीर बनकर अपनी जिंदगी का सुकून गारत कर लेता। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी बड़ी बेसब्री हूँ। ये बात भूल जाती तो अच्छा होता, ना सुफियान से कहती, ना अम्मी सुन लेती और ना ये झगड़ा होता। हाँ बेटा, लेकिन हर बुराई में अच्छाई छुपी होती, और इस बुराई में ये अच्छाई छुपी है कि तुमने अपनी गुस्सैली तबीयत पर खासा काबू पाया है। आप ठीक कह रहे हैं, और मैंने भी इस वाक्य से एक बात सीखी है, एक चुप तो सौ सुन। गुड। ये सुफियान की कुछ खैर खबर है? जी, वो राइटर बन गया है, आजकल नया ड्रामा लिखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। अब वो क्या मैं माहीन भाभी से अपने गलती की माफी मांग? बेटा, गलती की माफी मांगने से उसकी वजह से जो उसे तकलीफ हुई है वो कम नहीं होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें इससे बढ़कर कुछ करना चाहिए। जैसे कि? भाई देखो, वो तुम्हारा भाई है और तुम पर जान छिड़कता है। जी, अजान भाई बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। तो इसी मोहब्बत का पॉजिटिव साइड लेकर वो शख्स तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने अपने बचपन की मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी पर वार दी, अपनी मोहब्बत को किसी और की दुल्हन बनाकर रुख्सत कर दिया, तो तुम उसे उसी मोहब्बत का वास्ता देकर माहीन और उसके बीच की जो दूरी है उसे ख़त्म करने की इल्तिजा करो, तो मामला सुधर भी सकता है बेटा। ठीक कह रहे हैं अब्बू, समझे, हो गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद, जीती रहो। अरे खैरियत अजान, आज तुम इतनी जल्दी जाग गए बेटे। जी अम्मी, बस। तो क्या आज ऑफिस जल्दी जाना है तुमने? कुछ मीटिंग्स हैं सुबह सुबह बैक टू बैक। तो अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें नाश्ता भी जल्दी चाहिए होगा। मैं नाश्ता बना के आती। आप नाराज तो नहीं है मुझसे? नाराज तो नहीं हूं मैं बेटे, लेकिन फिक्रमंद बहुत, और थोड़ी सी दुखी भी हूं मैं उस बच्ची के लिए। मतलब आपको भी लगता है कि मैं गलत? गलत ना तुम हो और ना ही वो। उसने मसलहतन जो भी बात तुमसे छुपाई, तुमने उसे उसका इतना बड़ा गुनाह बना के सख्ती करना शुरू कर दिया।
तुम्हारा यही रवैया मुझे बहुत दुखी करता है आजान। अम्मी आपको वाकई लगता है कि माहीन को नहीं पता था कि अम्मू का क्या रिश्ता है इस घर से? आपको लगता है ये वाकई इतना बड़ा इत्तफाक है? ये भी हो सकता है कि अम्मू ने उसको भेजा हो यहाँ पे प्लांट करके, और ये भी तो हो सकता है कि वो जो समंदर किनारे मुझे मिली थी सुसाइड करने, वो सब एक ड्रामा हो, नाटक हो। ये सब इत्तफाक कैसे हो सकता है, खुद सोचें। नहीं लगता मुझे ऐसा। को क्यों ऐसा नहीं लगता? एक तो आप वो बेटी वाले मार्जिन से निकलेंगी तो आपको कुछ नजर आएगा ना। क्यों ना दूं उसे बेटी होने का मार्जिन? उसने कभी बहू बनकर दिखाया ही नहीं मुझे। अच्छा तुम ये बताओ मुझे, मैंने कभी तुम पे जबर किया? मैंने कभी तुम पे सख्ती की कि तुमने लाजमन उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना है? और मैं कहूंगी भी नहीं, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा समझौते की जिंदगी गुजारे। नाश्ता लाती हूं मैं। थैंक यू अम्मी, आप बहुत प्यारे। अच्छी बच्ची है। तुम ये सब रहने दो बेटा। क्यों अम्मी, मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन मैं इंसाफ से काम लेना चाहती हूँ। क्या मतलब इंसाफ करना चाहते हो? जब मेरा बेटा ही तुम्हें कबूल नहीं कर रहा तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं तुमसे ये सब काम लूँ। अम्मी कैसी बातें कर रही है आप, तो मुझे बेटी कहती हैं फिर ये तफरीक क्यों कर रही हैं? वो इसे तफरीक समझो या मेरा फैसला, मेरी बात मान लोगी तो मुझे खुशी होगी। माइन भाभी रुके, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? अपनी गलती के लिए। अनजाने में मेरे कानों में पड़ने वाली बात को अगर मैं किसी से शेयर ना करती तो ये सब ना होता। जो दुख किस्मत में लिखे होते हैं उन्हें कोई नहीं डाल सकता। मेरी अगर ज़र्फ बड़ा हो बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं, बहुत सारे दुखों से बचा जा सकता है। जो गलती हो गई सो हो गई, मगर मैं कोशिश करूंगी कि आपके घर को डूबने से बचाऊं। तुम क्या कर सकते हो? आपके हस्बैंड की बहन, आप मोहब्बत करते हैं मुझसे, आपको पता है मेरी जिंदगी बचाने के लिए ही उन्होंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी, वरना सारा कौन से कोई अलग नहीं कर सकता था। इस बात का भी दुख है मुझे। कैसा दुख? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है।
वैसे भी जो किस्मत में होता है वो तो खिल के रहता है। अब देखे ना, अजान भाई और आप एक दूसरे की किस्मत में थे, सो मिल गए। ये जुमला कहने में बहुत आसान है। अगर तुम्हारे मामले में ऐसा होता तुम क्या करती? अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना आसान नहीं होता, दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ता है, तब कहीं जाके कोई दूसरा इंसान उस दिल में जगह बना सकता है। ठीक कह रही है, मैं सारा को इस दुख से नहीं बचा सकी, मगर कोशिश करूंगी कि ये दुख आपको कभी ना मिले। मैं अजान भाई को समझाऊंगी। नहीं, तुम नहीं समझाना उन्हें, क्योंकि मैं उनके मिजाज को समझती हूँ। अगर उन्हें किसी चीज के लिए फोर्स किया जाता है तो वो और चिढ़ जाते हैं, खुद ही रियलाइज कर लेंगे, गुस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितने लकी है ना अजान भाई कि उन्हें आप जैसी अकलमंद बीवी मिली जो इतने अच्छे से समझती है उन्हें। सना, क्या हुआ, ठीक हो? हाँ, ऐसे ही, शायद वो घर से दूर हो ना, शायद उसी का स्ट्रेस है। हाँ, स्ट्रेस है, जो भी वजह है, लेकिन तुम्हें डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। मुझे लगता है तुम खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखती हो। हाँ वैसा ही है कुछ, मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, मगर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं छोड़ दूँ नीचे तक? नहीं नहीं, मैंने कहा ना कभी कभी हो जाता है, अब बिल्कुल ठीक हो, पर ख्याल रखिएगा। और तुम भी। बहुत खुश नसीब हैं आप, आपका बेटा और आपकी बहू दोनों आपके लिए कंसर्न रहते हैं। कुछ टेस्ट मैंने कर लिए, इनकी रिपोर्ट 3-4 दिन में आ जाएगी, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ बोलो, खैरियत? मामा को चेकअप के लिए लेकर आया था। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बस रूटीन चेकअप था। वो चेकअप के लिए तो सारा लेके गई थी ना? उसको तो तुम रहने ही दो, उसके अपने दिमागी मसाइल इतने ज्यादा हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार, इतना तो बेचारी ख्याल रखती है आंटी का। कहाँ ख्याल रखती, अगर ख्याल रखती होती तो आंटी को इमरजेंसी में थोड़ी ना लाना पड़ता। यार इंसानों से ये गलतियाँ होती हैं, वो भी इंसान है। ऐसे कैसे हो जाता, वो औरत मेरी माँ है, इस दुनिया में अगर मैं किसी औरत से इश्क करता हूँ ना तो वो मेरी माँ है। लेकिन कल तो आंटी की वजह से ही खफा थे ना। तो फौरी रिएक्शन तो यही होता है ना इंसान का, मोहब्बत जब इतनी गहरी हो तो इतनी आसानी से नहीं टूटते। फिर इस तरह तो तुम्हारा मेरा ताल्लुक भी बहुत गहरा है, नहीं? Absolutely. तुम तो मेरी जिंदगी की मदर टेरेसा हो। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह बहुत खूबसूरत बातें की जा रही है, खैरियत है? बुरा था मैं, दुनिया से लड़ता रहता था और तुम्हें दुख देता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा। तो अब क्या करोगे? तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें पता है ना सालार, मैं खुद को सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं समझती। यस आई नो, लेनो। क्यों चुप हो गई? मैं अभी तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ कॉलिंग है। Okay. ये कौन सा वक्त है किसी के घर आने का? हाँ, किसी के घर आने का? ये मेरी फियांसे का घर है, एंड बाय द वे इट्स नॉट अर्ली, दोपहर का 1 बज रहा है, तो बिलो जब आपको नहीं बढ़ाओ। मैं कोई बात बात नहीं बढ़ा रही हूँ, समझे तुम?
याद ना, मुझे क्या हो रहा है ये? यार मैं सोच रहा था कि आज लंच साथ करें। हाँ हाँ, मगर अम्मी की आदत को जानते हो ना, उनसे कैसे परमिशन लूं? बस लंच का ही कह रहा हूँ। तुम एक काम करो, मामा जान से बात करो, वो मोमानी को संभाल नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके ओके। ये मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? सुफियान को फोन करती हूँ। क्या हो गया? ओफो, इसको भी अभी डेड होना था, अब क्या करूं? सारा के पास जाती हूँ। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, बजाय उस सवाल का जवाब देने के तुम मुझे घुमाए क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें क्यों घुमाऊंगी? देखो सिंपल सी बात है, सालार की अम्मी हॉस्पिटल में थी, वो स्ट्रेस था, और स्ट्रेस सिचुएशन में इंसान अपने दोस्तों को ही कॉल करता है ना। उसने मुझे कॉल करनी तो व्हाट्स द बिग डील? तो तुम्हें ही क्यों, हर बार वो तुम्हारे आगे बेंड ओवर क्यों होता है? उस दिन जब वो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ने आया तो सब कुछ छोड़ के तुमने उससे बात की, और क्या कहा था तुमने उसे? कि वो तुम्हारा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं सालार को लेकर क्या सोचती हूं। हाँ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम अब सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो। सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। अपनी बेवफाई को जस्टिफाई नहीं कर सकती तुम इस तरह। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपनी बेवफाई को जस्टिफाई करने की, समझे तुम? और तुम्हें जस्टिफाई करना कुछ भी मेरा हैडिक नहीं है। अच्छा, तो ये सब जो हमारे बीच हो रहा है तुम्हें इसको क्लेरिफाई करना होगा, क्योंकि आज भी तुम मंगेतर हो मेरी। अगर इस रिंग की वजह से तुम इतना उछल रहे हो ना, तो इसको उतार के फेंक देना मेरे लिए कोई बड़ी और मुश्किल बात नहीं है। इस अंगूठी को गलती से भी उतारने की गलती मत करना, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा, क्या करूं बेटे? सोच है तुम्हारी, क्या क्या करूंगा मैं? क्राइम पार्टनर हूं तुम्हारा, जाके सालार को सब एक्सपोज कर दूंगा कि क्या क्या करती फिरी हो तुम। I need to calm down. गुस्से में और भी बात बढ़ जाएगी, और इस वक्त इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कहीं इसने मेरा प्लान खराब कर दिया तो मैं नहीं। देखो, गुस्से से सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं। मुझे नहीं पता ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहां से आ रही। हमने इतने वक्त से सात टाइम स्पेंड भी किया है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बस परेशान नहीं हो। सॉरी। परेशान नहीं, रुको मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। तो
मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं कम है। ओह तो फॉर्मल क्यों हो रही हो, छोटा सा काम था। सॉलराइट, आपके इस छोटे से काम की वजह से मेरी सना की जिंदगी बस गई है। अच्छा मुझे बताओ जो तुम्हारा सुफान के लिए प्लान था, हाउ इज दैट कमिंग अलोंग? मेरा यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो था बिलाल, मैंने उससे बात की थी, तो माशाल्लाह से सुफियान की दो स्क्रिप्ट्स अप्रूव भी हो गई और पेमेंट भी मिल गई। हाउ वंडरफुल। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा क्या प्लान है मैडम? बस मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों सेट हो जाएं अपनी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि सुफियान बहुत कामयाब होगा इंशाल्लाह। आई थिंक अब मैं चलती हूँ, आंटी किसी भी वक्त आने वाली होंगी एंड शी वॉन्ट लाइक मी बींग हियर। आप पहले मुझे ये बताएं कि आप ऑफिस कब ज्वाइन कर रही हैं? बस मैं अपनी समर कैंपेन पे काम कर लूँ, एज सून एज इट्स ओवर इंशाल्लाह आई जॉइन यू। अल्लाह इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगी। मैं आपको छोड़ती हूँ। अरे भाई ये मुझे जो खुशबू आ रही है कहीं वो गाजर का हलवा तो नहीं? सी अबू आपने ठीक कहा, ये वही हलवा है जो आप मेरी फरमाइश पे लाए थे। अरे इस बात को रहने दो, बस ये बताओ कि ये किसकी फरमाइश पर गरम हो रहा है? अबू वो सुफियान ने कहा कि लंच साथ करते हैं। वो तुमने अपनी अम्मा से पूछ लिया? अबू रोका आपने था तो जाने का भी आप ही से पूछूंगी ना। भाई कह तो तुम ऐसे रही हो कि जैसे मैं तुम्हें रोकूंगा और तुम रुक जाओगी। वो आप बोल के तो देखे, ना रुको तो मैं मुजरिम। अरे मना करें दुश्मन, लेकिन बेटियां जो है ना वो अपनी घर गृहस्थी में बसी ही अच्छी लगती हैं। और वैसे भी वो कसम तो अब हवा हुई, भाई तुम्हारे मियाऊ जो हैं वो आके यहाँ से जा चुके हैं तो फिर नाराजगी कैसी? सी तो फिर बताएं मैं जाऊं? हाँ अगर वो तुम्हें झेल सकता है तो चली जाओ। अबू आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं? भाई जिस बात से तुम्हारा जी खुश हो जाए तो उससे भला मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें? एक मिनट अबू। हेलो जी ठीक है मैं 4 बजे आ जाऊंगी। हाँ आप लोकेशन भेज दें। ओके सब ठीक है बेटा? जी अबू बल्कि मजीद ठीक होने वाला है। क्या मतलब? जी अबू वो मैडम है ना जिनके साथ मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, वो अपना काम बड़े पैमाने पे करना चाहती हैं, उसी के लिए मीटिंग कॉल की है। गुड ये तो अच्छा हो गया। जी बल्कि बहुत अच्छा हो गया। अच्छा अबू मुझे तैयार भी होना है, मैं जाऊं? हाँ लेकिन उससे पहले मुझे हलवा तो खिला के जाओ ना। जरूर मैं अभी लेकर आती हूँ। इस तरह इग्नोर करना था तो साथ क्यों लाए? मैं लेकर आया। मेरा ही प्लान था लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर करो। नहीं तुम्हें इग्नोर करना होता तो यूं गुस्से का इजहार नहीं करता। तुम जानती हो जिस रिश्ते में नाराजगी और खौफगी ना हो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। यार तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ रही है ना। अब तुम मुझे ऐसे ताना मारोगे? मेरी क्या मजाल मैं तुम्हें ताने दूं? तो फिर इस तरह से शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? घर पे अपनी टोन देखी थी तुमने? और अगर यही बात मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा घर में मेरे साथ कैसा रवैया था, तुम एकदम मुझसे बात करते हुए बदल जाती हो, तुम्हारी आदत बदल जाती है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं लेकिन जब तुम बदलती हो तो मेरा दिमाग घूमता है। बताओ ना चुप क्या हो गई, तुम्हारा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है?
मेरे लिए मोहब्बत सब कुछ है। और मेरे लिए तो वाकई मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत हूँ। तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है, बताओ ना है मोहब्बत? अलीना, ना तो मोहब्बत बताई जा सकती है ना दिखाई जा सकती है, बस होती है। और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। देखते ही रहोगे, अब कुछ बात भी करो। जाओ पहले मुझे जी भर के देख तो लेने दो तुम्हें। ये देखो तुम्हारी नींद आई। श्वेत मैम। नहीं क्या है? देख लिया है वो, ये तुमने बनाया? कोई शक? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, ऐसा खुद मान रही हो। सच सच बताओ तुमने बनाया? वो अब्बू लाए थे, तुम्हें पसंद है तो तुम्हारे लिए लेकर आ गई। थैंक यू यार, क्योंकि ऐसा हलवा तुम बना भी नहीं सकती ना। ऐसे बोलोगे? सॉरी, मेरा मतलब ये है कि मैं बता, आज मेरा कितना दिल कर रहा था हलवा खाने का। देख लो दिल को दिल से राह होती है। मैंने नोट किया कि जब से तुम अब्बा के घर गई हो ना, थोड़ी हेल्दी हो गई हो। हाँ मुझे भी लग रहा था, क्या करूँ भूख इतनी लगती है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, क्यूट लग रही है, पहले से ज्यादा क्यूट लग रही। अच्छा सब ठीक है, बताओ ट्रिप का क्या हुआ, कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहे, प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई थी, कह रहे थे बुलाएंगे, देखो कब बुलाते हैं। इंशाल्लाह कॉल आ जाए। मेरा तो पूछ लिया, अपना तो बताओ। नहीं मैंने खाया है। मेरा तो बता दिया तुमने, हमारा काम कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है, एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं, कह रहे हैं ऑफिस बनाना है। ऑफिस? घर से ठीक तो था तब? हाँ घर से काम करने की लिबर्टी तो है, मुझे बॉस का हुक्म है, क्या कर सकते हैं। एक लो यार सना, मेरे ख्याल से तो घर ज़्यादा बेहतर रहता जैसी तुम्हारी सिचुएशन अभी। नहीं कह सकती, यू नो अभी बर्ड एक्सटेंड हो रहा है, मैं बोल दूँ कि नहीं हो सकता अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा लेट हो रहा है, चले। नहीं खाओगी नहीं तुम? नहीं तुम खा लो। सना कुछ नहीं, ऐसे ही कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। देखो प्लीज तुम अपना ख्याल रखो, ऐसे नहीं करो। मैं ठीक हूँ, बताया ना कभी कभी हो जाता है अचानक उठी ना। चले पानी चाहिए तुम्हें? शोर ठीक हो ना? तो चल तुम ले लो। सालार मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दो औरतें आई तुम्हारे साथ लॉयल नहीं थी यार। सोफी पैसों के लिए चली गई, सारा ने पैसों के लिए अपने फियांसे को धोखा दिया, आज भी वो उसी के ही साथ है। आप मिस सना हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज खड़े नहीं, प्लीज बैठिएगा।
प्लीज मिसेस सुफियान, आप ऐसा ना करें। ख्वातीन का एहतराम हम सब पर लाजिम है, लेकिन इस तरह की तज़ीम के लिए ख्वातीन को उठना पड़े ये कोई मुनासिब बात नहीं है। नहीं, इट्स ओके। मुझे मैम ज़रीना ने बुलाया था, उन्होंने कहा आपसे मिल लूँ। आप मुझे बताएंगे इस सीज़न की स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी तो वही होगी, चूँकि आपने बहुत खूबसूरत तरीके से अपने गोल मीट किए हैं, मैं आपकी परफॉर्मेंस से वाकई बेहद मुतासिर हूँ। थैंक यू। बाकी बातें मिस सोफिया से मुलाकात पर ही डिस्कस होंगी। मैम सोफिया, वो कौन है? ये इस पूरे प्रोजेक्ट की सीजन हेड है और आपकी परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर वो एक नई बिजनेस चैन लॉन्च करना चाहती हैं। वैसे आपकी परफॉर्मेंस वाकई शानदार है। अच्छा, मुझे लगा आप और मैम सरीना ये बिजनेस कर रहे हैं और आप हेड हैं यहाँ के। मैडम सोफिया से मुलाकात के बाद भी हेड तो मैं ही आपको करूँगा। मिस सोफिया आपका इंटरव्यू लेना चाहती हैं, आज 6 बजे का टाइम फिक्स करते हैं मुलाकात के लिए। टाइम की वो बहुत पंचुअल हैं, 6 बजने में भी 20 मिनट बाकी हैं। आप बताइए कि चाय लेंगी या कॉफ़ी? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। ठीक है, चले मैं आपकी थोड़ी देर में मैडम से मुलाकात करवाता हूँ। ठीक है, ठीक, थैंक यू। अरे कुछ नहीं सुल्ताना अप्पा, बस थोड़ा सा बीपी हाई है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। किस बात पे परेशान है? सना बीबी ने फिर कुछ कर दिया क्या? अरे नहीं, वो बेचारी कहाँ कुछ कहती है, वो तो खुद गुस्से में घर से चले गई है, सख्त परेशान है। जाहिर सी बात है, शोहर से दूर होकर कौन खुश रह सकता है। तो आप भी वहीं चली जाए ना। कैसी बातें कर रहे हो परवीन, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें पता नहीं कि भाई साहब कितना गुस्से में गए थे उस दिन घर से। अरे भाई क्या करें, सारा बीबी का मूड तो कभी भी खराब हो जाता है। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, ये बात तो वैसे ही बहुत बिगड़ गई है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछे? ये बताओ कि ये सूफिया यहाँ क्यों आती है, क्या रिश्ता है इसका सारा से? परवीन कमरे में आओ जरा मेरी। सुल्ताना आपा, आपको क्या जरूरत थी सोफी मीम का नाम लेने की? लगता है बेगम साहिबा ने सब कुछ सुन लिया, अब वो सारा बीवी पे गुस्सा करेंगी। दवाई खाए, मैं आती हूँ। या अल्लाह, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या हो गया मुझसे? भाभी से बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, कहीं वो मुझे गलत ना समझे। क्या करूं अब? क्या हुआ? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? क्यों? परेशान हो क्या? वो
तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा। जाओ जरा जाके अपनी और सलार की चैट्स पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। तुम्हें क्या लगा? मुझे कुछ नहीं पता। तुम जो कुछ करोगी मेरी तुम पर नजर रहेगी। मैं सलार की तरह बेवकूफ नहीं हूं अलीना। पहले मैं यही सोचता था कि तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे हाथों में तुमसे बेवकूफ बनता रहूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो मोहब्बत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुमने तो सालार को हासिल करने की जिद पाली हुई है, लेकिन अब मैंने अपना माइंड बदल लिया। वो क्या कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब ऐसा ही है, मेरा तुम्हें खुला चैलेंज है। अच्छा तो रोके दिखाओ और सलार को अपनी जिंदगी में शामिल करके दिखाओ। मिस्टर फ्लैट बाय। तो मैं बताती हूँ, विश मी बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें तो मैं बता। ओ यारे मन, ओ जाने मन। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।